दिवाली की डेट को लेकर लोगों में अब भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी या फिर 1 नवंबर को मनाई जाएगी। चलिए जानते हैं दीपावली की सही डेट और शुभ मुहूर्त। दिवाली 2024 कब है? दीपावली का त्योहार सबसे पहले रावण को हराकर भगवान राम के अयोध्या लौटने पर मनाया गया था। उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी और अपने प्रभु श्रीराम के अयोध्या लौटने की खुशी में नगरवासियों ने घी के दीपक जलाकर खुशियां मनाई थी। इस साल कार्तिक मास की अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर में 3:52 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 1 नवंबर की शाम को 6 बजे तक रहेगी। इसलिए अमावस्या तिथि दोनों दिन विद्यमान रहेगी। चूंकि दीपावली माँ लक्ष्मी और काली की पूजा प्रदोष काल के बाद की जाती है, इसलिए दीपावली की पूजा 31 अक्टूबर को की जाएगी और इसी दिन घर में दीपक जलाए जाएंगे। जो लोग दीपावली पर काली पूजा भी करते हैं, वे भी 31 अक्टूबर को ही अपने घर में दीपावली मनाएंगे और इसी दिन माँ काली की पूजा करेंगे। इसके अलावा जो लोग अमावस्या तिथि को दान स्नान और अन्य पूजा पाठ करते हैं, उनको 1 नवंबर को ये कार्य करने चाहिए। जहां तक बात है दीपावली मनाने की, तो यह त्योहार 31 अक्टूबर को ही मनाना तर्कसंगत होगा। इसके अलावा वैदेही, ऋषिकेश और विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को सर्वसम्मत रूप से मनाया जाना चाहिए। धनतेरस, छोटी दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज कब है? दिवाली का उत्सव धनतेरस के दिन से ही आरंभ हो जाता है और इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन सोने चांदी की खरीदारी के अलावा घर में झाड़ू खरीद कर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अगले दिन 30 अक्टूबर को छोटी दीपावली मनाई जाएगी, फिर 31 अक्टूबर को बड़ी दीपावली मनाई जाएगी। इसके बाद 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी और उसके अगले दिन 3 नवंबर को भाई दूज मनाई जाएगी। भारत के हर क्षेत्र में दिवाली त्योहार को मनाने की विशिष्ट परंपराएं हैं। इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली भले ही एक हिंदू त्योहार माना जाता है, देश भर में विभिन्न समुदायों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्योहार कहाँ मनाया जाता है, दीपावली का आध्यात्मिक संदेश एक ही है, जो अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान की जीत है। इस लेख के माध्यम से दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके कुछ कारणों को जानते हैं। हिंदुओं के लिए दिवाली भगवान राम की प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ है। दिवाली श्री राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करके अपने घर लौटने का जश्न मनाती है। सिखों के लिए यह उत्सव गुरु हरगोबिंद सिंह की जेल से रिहाई और उनकी अमृतसर वापसी पर प्रकाश डालता है। जैनियों के लिए यह जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जश्न मनाने का समय है। इस लेख के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। इसके अलावा हम इस त्योहार के महत्व, विशेषताओं आदि के बारे में जानेंगे। दिवाली क्यों मनाई जाती है? पहली मान्यता। इसकी पहली मान्यता या पहले कारण को श्रीराम जी के वनवास से वापस अयोध्या लौटने से जोड़कर देखा जाता है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी। दिवाली को इतनी धूमधाम से मनाए जाने का प्रमुख कारण यह है कि पौराणिक रूप से यह वह दिन माना जाता है जब भगवान राम 14 साल के लंबे वनवास के बाद और लंका राजा रावण को हराकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। दशहरा, जिसे दुर्गा पूजा की विजय दशमी के रूप में भी मनाया जाता है, वह दिन था जब राम ने देवी के आशीर्वाद से 10 सिर वाले राक्षस देवता को हराया था। एक तरह से दिवाली दुर्गा पूजा की ही अगली कड़ी है, क्योंकि यह युद्ध और जीत के बाद घर वापसी का उत्सव है। इसके अलावा यह समयबद्ध था क्योंकि राम के छोटे भाई भरत ने कसम खाई थी कि यदि राम वनवास के बाद समय पर अयोध्या नहीं लौटेंगे तो वह अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। दिवाली क्यों मनाई जाती है? दूसरी मान्यता। इसकी दूसरी मान्यता यह है कि इस दिन धन की देवी लक्ष्मी का पुनर्जन्म हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे सम्मोहक कहानियों में से एक दूधिया महासागर के मंथन की है। यह देवताओं बनाम राक्षसों और अमरता प्राप्त करने के लिए उनकी लड़ाई की कहानी है।
यह लक्ष्मी के पुनर्जन्म के बारे में भी बताता है। दिवाली देवी लक्ष्मी के पुनर्जन्म पर भी मनाई जाती है, जो समुद्र मंथन में पैदा हुई थी। यह देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के ब्रह्मांडीय सागर का मंथन था। प्रचलित मान्यता के अनुसार दिवाली की रात लक्ष्मी ने विष्णु को अपने पति के रूप में चुना और उनसे विवाह किया। दिवाली क्यों मनाई जाती है? तीसरी मान्यता। इसकी तीसरी मान्यता यह है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अपने 8वें अवतार में राक्षस नरकासुर का विनाश किया था। राक्षस नरकासुर वर्तमान असम के निकट प्राग ज्योतिषपुर का दुष्ट राजा था। शक्ति ने राक्षस राजा को अहंकारी बना दिया और वह अपनी प्रजा और यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी खतरनाक हो गया। उसने आतंक के शासन के साथ शासन किया, देवताओं की 16,000 बेटियों का अपहरण कर लिया और देवताओं की माँ अदिति की बालिया चुरा ली। ब्रज क्षेत्र में, भारत के उत्तरी भाग में, दक्षिणी तमिल और असम के कुछ हिस्सों में नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली को उस दिन के रूप में देखा जाता है जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। दिवाली क्यों मनाई जाती है? चौथी मान्यता। इसकी चौथी मान्यता यह है कि इसी दिन पांडव अपने 12 वर्षों का निर्वासन पूरा करके अपने विजय वापस आए थे। महाकाव्य महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या की रात को पांचों पांडव भाई पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ 12 साल का वनवास बिताने के बाद हस्तिनापुर लौटे थे। वे पूरे हस्तिनापुर शहर को चमकीले मिट्टी के दियों से रोशन करते हैं। माना जाता है कि पांडवों की वापसी की याद में दिए जलाने की इस परंपरा को दिवाली का त्योहार मनाकर जीवित रखा गया है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? पांचवी मान्यता। इसकी पांचवी मान्यता सिख धर्म से भी संबंधित है। बंदी छोड़ दिवस। सिख वास्तव में दिवाली नहीं मनाते हैं, वे बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, जिसका अर्थ है कैदी रिहाई दिवस, जो दिवाली के ही दिन मनाया जाता है, इसलिए दोनों को मिला दिया जाता है। 1619 में इसी दिन गुरु हरगोबिंद साहिब और 52 राजकुमारों को भारत के ग्वालियर की जेल से रिहा किया गया था। यह दिन बुराई पर अधिकार की विजय के रूप में और उस गुरु को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने हिंसा का उपयोग किए बिना 52 लोगों की जान बचाई। वह दिवाली के दिन अमृतसर पहुंचे और उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए हरमंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, को सैकड़ों दीपक जलाए गए, इसलिए उस दिन को बंदी छोड़ दिवस, कैदी रिहाई दिवस के रूप में जाना जाने लगा। दिवाली क्यों मनाई जाती है? छठवीं मान्यता। इसकी छठवीं मान्यता फसली मौसम से संबंधित है। दिवाली फसल उत्सव का प्रतीक है। चूंकि यह फसल के मौसम के अंत में होता है और उपरोक्त रीति रिवाजों के साथ कुछ अन्य प्रथाएं भी हैं जो फसल उत्सव के रूप में इसकी उत्पत्ति की परिकल्पना को पुष्ट करती हैं। हर फसल आम तौर पर समृद्धि का प्रतीक होती है। यह उत्सव सबसे पहले भारत में किसानों द्वारा अपनी फसल काटने के बाद शुरू किया गया था। उन्होंने खुशी मनाई और अच्छी फसल देने के लिए भगवान की स्तुति की। दीपावली के दूसरे दिन एक अनुष्ठान किया जाता है जो फसल उत्सव के रूप में दीपावली की उत्पत्ति का दृढ़ता से संकेत देता है। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा और आरती फसल उत्सव का एक हिस्सा है। इस दिन पोहा या पोवा नामक अर्धपके हुए चावल से व्यंजन तैयार किए जाते हैं। यह चावल उस समय उपलब्ध ताजा फसल से लिया जाता है। यह प्रथा विशेषकर पश्चिमी भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में दिवाली इसी पहलू का प्रतीक है। इसका कारण यह है कि दिवाली, जो अक्टूबर नवंबर में मनाई जाती है, कटाई के मौसम के अंत के साथ मेल खाती है, जिसे खरीफ सीजन के रूप में जाना जाता है, जब चावल की ताजा फसल उपलब्ध होती है। इसलिए दिवाली को कई ग्रामीण हिंदुओं द्वारा फसल उत्सव के रूप में भी माना जाता है, जब किसान प्रार्थना करते हैं और उनसे प्राप्त इनाम के लिए सर्वशक्तिमान के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। दिवाली क्यों मनाई जाती है? सातवीं मान्यता। काली पूजा। शक्तिवाद के कलिकुला संप्रदाय के अनुसार देवी महाकाली की अंतिम अभिव्यक्ति कमलात्मिका के अवतार के दिन को कमलात्मिका जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और यह दिवाली के दिन पड़ता है। जब पूरा देश दिवाली मनाता है,
तो बंगाल के लोग काली पूजा मनाते हैं। देवी काली 10 महाविद्या यानी देवी माँ के 10 अवतार में से एक हैं। काली नाम संस्कृत शब्द कल से आया है, जिसका अर्थ है समय। वह सभी शक्तियों में सर्वोच्च है, परम वास्तविकता है। काली पूजा हिंदू कार्तिक माह की अमावस्या यानी दीपन्नता अमावस्या पर एक हिंदू त्योहार है। दिवाली का लक्ष्मी पूजा का दिन और काली पूजा एक ही दिन होते हैं। एक विशेष त्योहार इस देवी को समर्पित है और इसे काली पूजा या श्यामा पूजा या दीपनविता काली पूजा या तांत्रिक काली पूजा कहा जाता है और दिवाली के समय मनाया जाता है। यह हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन पड़ता है, जो अक्टूबर और नवंबर के बीच आता है और बंगाल में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? 8वीं मान्यता। दिवाली का संबंध जैन धर्म के महावीर स्वामी से भी है। जैन लोग भगवान महावीर को लड्डू चढ़ाकर दिवाली मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर ने लगभग 2500 साल पहले बिहार के पावापुर में मोक्ष मुक्ति प्राप्त किया था। इस दिन को भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि महावीर की शारीरिक मृत्यु और अंतिम निर्वाण ने धर्म को पुनर्जीवित किया था। जैन धर्मग्रंथ दिवाली को दीपालिकाया या शरीर छोड़ने वाली रोशनी के रूप में कहते हैं। भगवान महावीर के ज्ञान के अवसर को चिन्हित करने के लिए पृथ्वी और स्वर्ग को दीपक से रोशन किया गया था। यह उत्सव दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस पर शुरू होता है, जो भगवान महावीर के त्याग का दिन है। समुदाय दिवाली के दिन ध्यान करता है, नकारात्मकता को दूर करने के लिए पूजा के बाद चावल और सरसों छिड़कते हैं। वे प्रार्थनाएं करते हैं ताकि वे सही दिशा में सुख शांति और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। उनके उत्सव कुछ हद तक हिंदुओं के समान है, जैसे दीपक जलाना और देवी लक्ष्मी की पूजा करना, लेकिन मुख्य ध्यान भगवान महावीर की पूजा पर है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? 9वीं मान्यता। दिवाली या दीपावली न केवल रोशनी का त्योहार है, बल्कि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है। यह सबसे महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय उत्सवों में से एक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सौभाग्य की हिंदू देवी उन घरों में आती हैं जो चमकदार रोशनी वाले होते हैं। बच्चे दीप बनाते हैं जो जलाने के लिए छोटे मिट्टी के दीपक होते हैं और सौभाग्य की देवी को अपने घर लाते हैं ताकि वे नए कपड़े और खिलौने प्राप्त कर सकें। दिवाली का पहला दिन बिजनेस का नया साल भी है। सभी कंपनियां कर्ज चुकाती हैं और नए साल में वाहनों को अच्छे से चलने का आशीर्वाद देने के लिए उनकी कारों को फूलों और ताड़ के पत्तों से सजाया जाता है। दीपावली को सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने के रूप में अत्यधिक विश्वास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। दीपावली के अवसर पर लोग अपने जीवन में धन समृद्धि और खुशहाली जैसे प्रकाश ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए अपने घरों और कार्यस्थलों को फूलों रंगोलियों और विभिन्न प्रकार की सजावटों के साथ साफ सफाई नवीनीकरण करके कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। इस दिन लोग अपने घरों और ऑफिस में तेल के दीपक और मोमबत्तियां भी जलाते हैं। इस दिन लोग परिवारजनों अपने कर्मचारियों और दोस्तों को उपहार देते हैं। दीपावली का उत्सव आमतौर पर 5 दिनों की अवधि तक चलता है और दिवाली का मुख्य उत्सव अमावस्या की रात को मनाया जाता है। उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है, उसके बाद नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली और फिर तीसरे दिन दिवाली देव दीपावली होती है। इसके बाद 4थे दिन दिवाली पड़वा या गोवर्धन पूजा और 5 दिवसीय उत्सव के 5वें और आखिरी दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। त्योहार के प्रत्येक दिन का अपना खास महत्व है। आइए 5 दिवस तक चलने वाले सभी त्योहारों के बारे में जानते हैं। धनतेरस उत्सव समारोह का पहला दिन है। धनतेरस शब्द का अर्थ ही धन और समृद्धि है। यह दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि लोग सोने या आभूषणों में निवेश करने के लिए इस दिन को चुनते हैं। इस शुभ अवसर पर दिवाली के लिए नए कपड़े और बर्तन भी खरीदे जाते हैं। यह दिन भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली इस त्योहार का दूसरा दिन है। इस दिन लोग अपने जीवन से सभी पापों और अशुद्धियों को दूर करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान करने से पहले अपने ऊपर सुगंधित तेल लगाते हैं।
दिवाली या दीपावली रोशनी के इस पावन त्योहार का मुख्य दिन है, जो बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इस दिन धन संपदा और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं और दिए जलाकर और कुछ पटाखे फोड़कर आनंद लेते हैं। पड़वा और गोवर्धन पूजा चौथे दिन पड़ती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने विशाल गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र को हराया था। गाय के गोबर का उपयोग करके लोग गोवर्धन का प्रतीक एक छोटा टीला बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। भाई दूज दिवाली का पांचवा दिन पारिवारिक संबंधों को समर्पित दिन है। इस दिन रक्षाबंधन की तरह ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। बहनें अपने भाई की लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए प्रार्थना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को कीमती उपहार देते हैं।